वो अभी एयरपोर्ट पे ही काम कर रहा है. क्या स्टिल वाटर एंड स्पार्कलिंग वाटर? ये पानी है. हाँ. अब लंदन आते हो, टावर ब्रिज नहीं जाते हो तो क्या करते हो यार? दोपहर के 5:20 हो रहे हैं और देखो ये रहा लंदन का मेला. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं गाइस, ये हमारी ट्रिप पूरी 1 महीने की रहने वाली है, जहाँ पे हम दोहा से होके जाने वाले हैं यूके. यूके में हम 2 सिटीज एक्सप्लोर करेंगे, मैनचेस्टर एंड लंदन. और वहाँ पे क्रिसमस वगैरह कैसा होता है, सब एनवायरमेंट कैसा है, अभी वो सब दिखाएंगे आपको. मैनचेस्टर एंड लंदन के बीच में हमारा थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ होने वाला है. क्यों होने वाला है आप वो तो ऑब्वियसली देखोगे ही. फिर उसके बाद हम एम्स्टरडैम से होके दुबई जाने वाले हैं गाइस, न्यू ईयर के लिए दुबई. एंड हमारा एनिवर्सरी भी उधर ही होने वाला है, प्लस क्रिसमस 25th December भी में ही रहेगा. तो देखते रहो, आपको बहुत मजा आने वाला है. और ऑफ कोर्स अबू धाबी भी हम वहां पे कवर करने वाले हैं. उसके बाद हम जाएंगे फिर से मुंबई. हम आज निकल रहे हैं लंदन के लिए. 12 बजे फ्लाइट है, अभी बज रहे 9:30 तो कुछ हो रहे हैं. डोमेस्टिक फ्लाइट है इसलिए थोड़े हम लेट भी जा रहे हैं, और बिजनेस क्लास से तो नंबर भी जल्दी लग जाता है. ऐसा ना, हम ज्यादा बाहर निकले नहीं, ज्यादा घूमे नहीं थे, बिकॉज मैनचेस्टर में ऐसा कुछ ज्यादा था ही नहीं. अभी लंदन जा रहे तो मैं मेरा माइक भी यूज करूंगी और गिम्बल भी यूज करूंगी, सो दैट एंगल भी अच्छा आएगा पीछे का, मेरा आवाज भी अच्छे से आएगा. यहाँ पे कैसा ना, स्टेडियम में जाना रहता था तो मैंने निकाला ही नहीं वो ऊपर, क्योंकि स्टेडियम में ना माइक अलाउड रहता है ना गिम्बल अलाउड. So it's better to keep it inside. A few moments later. ये मैनचेस्टर का एयरपोर्ट है गाइस, डोमेस्टिक वाला. इट्स नॉट फैंसी क्योंकि ये बहुत पुराने एयरपोर्ट से, तो इनके कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने पुराने ही रखे हैं, बस मेंटेन रखा हुआ है, सब क्लीन रखा हुआ है. इनके लिए वेट कर रहे हैं गाइस अभी हम. अभी फ्लाइट का टाइम होता नहीं है, तब तक हम लाउंज में रुक रहे हैं. तो दिखाती हूँ यहाँ का लाउंज कैसा है डोमेस्टिक एयरपोर्ट का. ओके, तो ये है लाउंज गाइस. खाने पीने की चीज़ें देती है, जैसेड यहाँ पे भी है. एंड सिटिंग एरिया यहाँ पे अच्छा वाला प्लेस मिला है हमको. एक्चुअली प्लेन्स वगैरह सब दिखता है, वो देखो जा रहा है. फाइनली बोर्डिंग हो गई है गाइस. ये देखो कितना जुगाड़ू बिजनेस क्लास बना के रखा है इन्होंने डोमेस्टिक का. इकोनॉमी वाले सीट्स लगा के रखे हैं सब, वही लेग स्पेस, उतना ही लेग स्पेस, बस मिडल वाले सीट को उन्होंने टेबल बना रखा है. और ये यहाँ पे अपना फुट टेबल भी तो सेम ही दिया है. ये रहा गाइस लंदन एयरपोर्ट. हम अभी हमारी बैग्स लेने जा रहे हैं. लंदन एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं और निखिल का काम थोड़ा सा बाकी रह गया था, और उसका वीडियो का टाइम भी हो रहा है. लंदन का और इंडिया का 5.5 घंटे का डिफरेंस है. तो यहाँ पे अभी बज रहे 2:28, और उसको अपने ISD के हिसाब से उसको 8 बजे, रात के 8 बजे वीडियो डालना रहता है. सो वो अभी एयरपोर्ट पे ही काम कर रहा है, और उसका लैपटॉप बिना चार्जर के ऑन नहीं होता, चलता नहीं है. सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम, ही कैन नॉट इवन वर्क इन कैब. जस्ट लुक एट हिम. और प्लग भी कहाँ पे है, इतने कोने में. चलो फाइनली निखिल का काम हो गया गाइस, अभी हम जा रहे हैं होटल पे. हे गाइस, इसलिए हमको कैब मिल गई, बुक तो करके रखी थी, लेवल 1 पे था और आर रूम में था. आर तो चल के आना पड़ा, इतने हेवी हेवी बैग्स है हमारे पास. चलो आ जाओ. और ये देखो यहाँ पे ना पार्किंग का टिकट ऐसे अपने को ही करना पड़ता है सब, मतलब कार्ड से पैसे दो और रिसिप्ट निकालो एंड स्टफ. आई डोंट नो हाउ दे डू इट, लेकिन इधर सेल करना पड़ता है सब. लंदन का डोमेस्टिक एयरपोर्ट गाइस सिटी के बहुत बाहर आ जाता है, तो हमें प्लेन में से भी कुछ ऐसा दिखा नहीं सिटी जैसा कुछ भी, सब झाड़ झाड़ थे, खेत थे, एवरीवेयर ग्रीनरी थी बेसिकली. सो अभी हम जा रहे हैं सिटी की तरफ. हमारे होटल तक का 1 घंटे का रास्ता है. हिल्टन ओलंपिया नाम का होटल है यहाँ पे लंदन में, वहाँ बुकिंग है हमारी. फॉल सीजन जो है नवंबर मंथ में, आई थिंक यहाँ पे सब पत्तियाँ झड़ गई रहेंगी झाड़ू की, क्योंकि फॉल सीजन अभी भी चल रहा है. तो अभी पूरे सुखड़े सुखड़े झाड़ दिख रहे हैं, आप देख ही रहे हो वीडियो में वैसे. चलो अभी कहाँ पे सिटी आना स्टार्ट हुआ है. नाइस, यहाँ पे भी लोग लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाते गए, जस्ट लाइक इंडिया. आपको अच्छे से, सॉरी क्वालिटी थोड़ा ख़राब आ रहा है क्योंकि कांच पे ना थोड़ा बारिश वगैरह हो रही है. तो गाइस अभी बाहर का कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगी मैं आपको, अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट बाहर. कल से पक्का बहुत सही आने वाला है. माइक रहेगा तो आपको मेरा आवाज़ भी अच्छे से आएगा, और गिम्बल रहेगा तो फुटेज भी अच्छे से आएगा. और हाँ, रूम पे जाके मैं रूम टूर करवाती हूँ. ये रहा गाइस हमारा होटल हिल्टन ओलंपिया. अंदर से तो अच्छा दिख रहा है, अभी रूम पता नहीं कैसे है. ये देखो हिल्टन ऑनर्स, व्हाटएवर.
और हमारी बैग्स जो कि हमें ऊपर लेके जानी है। अभी थर्ड फ्लोर पे हमारा रूम है। यस, चेक इन हो गया है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर। अ लिटिल बिट, कैन यू टेक दिस? क्या बोली? थोड़ा सा हिल्टन है गाइस, लेकिन बहुत भुलभुलैया है ये। देखो इतना सा नैरो है, और वो भी हम उधर घुस गए थे, रॉन्ग साइड, दिस वे। थोड़े से स्टेयर्स चढ़ के आना पड़ा, वो भी है सामान के साथ। वो तो अच्छा था, उधर एक बंदा था, उसने हेल्प कर दिया। अभी लेट्स सी हाउ इज द रूम। तो गाइस फिर से हम मेस बना दें, इससे पहले लेट मी गिव यू अ रूम टूर। यहाँ पे कुछ तो सही वी हैव वॉशरूम, रुको बाद में दिखाती हूँ, फर्स्ट लेट मी क्लोज। कबर्ड है एज यूजुअल, चीज़ें आयन, फिर वो हेयर ड्रायर, ये आयन बोर्ड, हैंगर्स वगैरह, टॉयलेट, सिंक, मी, ये सब दिया है उन्होंने नेसेसरी चीज़ें। एंड वी हैव अ बाथटब, वाओ, छोटू सा स्पेस में बहुत कुछ दे दिया इन लोगों ने, नाइस। एंड हियर रूम स्टार्ट होता है। दिस इज़ द टीवी, कंपेरेटिवली बड़ा है, दूसरे होटल्स में जो भी मिलता है उससे तो बड़ा ही है। फिर यहाँ पे कॉफ़ी का है, एंड देन इसमें क्या है? ओके, जस्ट स्टोरेज, डस्टबिन। यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल है, चेयर वगैरह सब। इस क्या? स्टिल वाटर एंड स्पार्कलिंग वाटर। ये पानी है? हाँ। देखो गाइस, ये पानी है, वाओ। मतलब कीमत क्या होगी इधर पानी की? हाँ, तो ऐसा ये है, आई थिंक फ्रिज रहेगा यहाँ पे। यस, जिसमें कुछ भी नहीं है, गुड। देन ये खिड़की यहाँ पे जो कि क्लोज है, ओपन नहीं होती है। दिस इज़ द बेड, ये बड़ा वाला मिरर। एक अच्छा है कि ये लोग मिरर बहुत बड़े देते हैं। एंड दैट्स इट, ये कपड़े सुखाने का है, दैट्स इट। और इधर जो ये की है, हम यूजुअली क्या करते हैं, अंदर एक मशीन रहता है, उसमें की इंसर्ट करते हैं, ये लाइट्स सब ऑन हो जाते हैं। इधर वैसा नहीं है, इधर सब मैनुअल है, क्योंकि होटल बहुत पुराना है, तो दे केप्ट इट एज इट इज़। फूड ऑर्डर किया गाइस, ये चिकन करी विद राइस है, फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, और ये रहा निखिल का पास्ता। यस, द नेक्स्ट डे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ओके, मैं आज गिम्बल यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को फिर से सेटल होने के लिए टाइम लगेगा। ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा ऑफिशियली लंदन में सेकंड फर्स्ट डे है। कल तो हम लैंड हुए थे, तो कल कुछ खास किया भी नहीं था, थक गए थे, खाना भी नहीं खाया था, तो इधर आके खाया था। तो हमारा आज ऑफिशियली फर्स्ट डे इन लंदन है गाइस, और अभी हम जा रहे हैं वो कुछ टूर है, एक्चुअली वो एक तो गाइडेड टूर है, तो उनके साथ हम जा रहे हैं। इट इज लाइक डेढ़ दो घंटे, मैक्सिमम दो घंटे का टूर रहने वाला है। हम जो अभी मार्केट में जा रहे हैं, वो हजार साल पुरानी उसकी हिस्ट्री है, इमेजिन। वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो मार्केट है हजार साल पुरानी। मेरे को तो अभी पढ़ के सीरी चकरा गया मैं डायरेक्ट, मतलब हजार साल से वो इधर ही है, द सेम प्लेस पे है। वाओ यार, मस्त है। तो वो कंप्लीट करने के बाद हम खुद ही होके पैदल टावर ब्रिज जाने वाले फिर, और वहाँ पे अब लंदन आते हो, टावर ब्रिज नहीं जाते हो, तो क्या करते हो यार, मतलब। वो देखो गाइस, वो जो है लंदन आए हैं, वो वहाँ पे भी हम जाने वाले हैं। अभी फिलहाल तो हम जा रहे हैं गाइस टावर ब्रिज पे, तो इसलिए हम वो लंदन आए, वो सब बाद में करने वाले हैं। आई थिंक यहाँ पे आएंगे गाइस सब लोग टूर के लिए, अभी तो फिलहाल कोई दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके गाइस, तो हमारा मीटिंग पॉइंट ये नहीं था जो मैंने दिखाया, कुछ अलग है, आगे जाके है थोड़ा सा, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। और ये देखो रास्ते पे फुटपाथ पे, एक्चुअली चलते चलते मेरे को क्या दिखा, आई डोंट नो व्हाट इट इज, लुक एट दिस, क्या है कुछ पता नहीं मेरे को। आपको पता होगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता दो।
तो उनका आइडेंटिटी था गाइस कि ये लोकेशन पे आने के बाद आपको ऑरेंज अम्ब्रेला दिखेगी करके एक के हाथ में एंड दैट्स द पर्सन करके. ये जो लोग है गाइस, ये देखो अजीब बाल वाला, और यहाँ पे थोड़े आपको जो डेस्परेट बंदे दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया. तो ये लोग कुछ से चैरिटी के लिए पैसे लोगों से मांगने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑन द स्ट्रीट. तो वो चार पांच है एक्चुअली, एक जगह पे चार पांच लोग कर रहे हैं. तो आई डोंट नो इफ दे कैन मैनेज टू पुल इवन सिंगल, आई डोंट नो. फॉर्मेशन पहले हमारे गाइड ने दी है हमें. अरे आंखों आंखें ठंडी से पूरा पानी आ रहा है आंखों से. सॉरी फ्रॉम लंदन. ये बस है गाइस, वो जो मैं बताई थी आपको कि ओपन रूप वाला भी रहता है, दिस इज द वन. इसमें हम करेंगे शायद टूर, हमें वो नाइट लाइट्स वाला टूर करने का है. सो वी विल सी कब मैनेज होता है. अभी हमारे गाइड है, हमें लेके जा रहे हैं. बाकी के लोग तो ग्रुप में कोई आए नहीं है, या फिर उनको मिल नहीं रहा रहेगा ये रास्ता, ये लोकेशन जिधर भी था, क्योंकि हम भी भटक गए थे. हाँ ये नीचे थे हम, इसके नीचे ब्रिज के नीचे. So this is the symbol of the city of London there, the dragon with the shield. Yeah. Wherever you see a statue like this, you know you're at the boundary of the city of London, eh? Abhi niche ja rahe guys. Ye dekho nadi dikh rahi hai, kitna sahi lag raha hai. The Queen's Walk. So guys, it was the Romans who first established the city here. They established the city of Londinium over there. Okay. Oh. They invaded most of southern England around about 304 AD. Dubai guys, kitna acha lag raha hai, heart. ओके गाइस, ये ना सबसे पुराना है यहाँ का चर्च जो है. यहाँ पे शेक्सपियर भी आता था, इसलिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके ब्रदर को यहाँ पे ही बैरी किया गया था. इन्होंने बुक करके रखा है गाइस हमारे लिए एक टेबल. सो आवर फर्स्ट कोर्स बिट ऑफ अ ट्विस्ट ऑन अ ब्रिटिश क्लासिक. ये रेस्टोरेंट से हमारा खाना आने वाला है गाइस, और ऊपर जाके हमें खाना आया है गाइस, हमारे टेबल्स ऊपर है. प्लेस कुछ ऐसी है गाइस. ये आया गाइस हमारा ब्रेकफास्ट. That's the tallest building in Western Europe. ये देखो गाइस, यहाँ का फूड मार्केट है, वही मार्केट में का फॉर व्हाट यू ऑर्डर दैट मार्केट. ये देखो कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे. लेकिन देखो कितना सिस्टमेटिकली रखा हुआ है सब कुछ. ऑल्सो क्रिसमस का डेकोरेशन है ऑफकोर्स. लाइन है ये स्ट्रॉबेरीज लेने के लिए. राम राम, कितना बड़ा लाइन है. चॉकलेट स्ट्रॉबेरी लेने के लिए गाइस यहाँ पे क्यू में खड़ा रहना पड़ रहा है, और बहुत बड़ी लंबी लाइन है. ये देखो ऐसा मिलता है चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, ये मिंट वाला शायद कुछ. तो ये देखो और ये एक बार है गाइस जो गाइड हमें यहाँ पे लेके आया है. तो ये बहुत पुराने बार्स में से एक यहाँ पे है, तो इट वाज नियर बाय, तो ये गाइड लेके आया हमें यहाँ पे. ये देखो गाइस कंस्ट्रक्शन भी ये लोग करते हैं, कुछ सुधार वगैरह. कितना क्लीन रहता है, बहुत ही ज़्यादा क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं यार. बारिश भी आती तो यहाँ पे लोग घूम सकते हैं, इसलिए ऊपर ये ऐसा रूफ लगाया हुआ है. क्रिसमस ट्री तो बहुत ही सही है.
और ये स्ट्रीट गाइस सबसे एक्सपेंसिव है यहाँ का, जहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव ऐसे शॉप्स है, तो अगर आप आते हो तो रोकड़ा लेके आइयो। दिया गाइस गाइड ने हमें एंड ऑफ द टूर यहाँ पे, और आगे आने के बाद ये ऐसा शिप का कुछ बनाया हुआ भी है इन लोगों ने, फाउंटेन काइंड ऑफ थिंग, एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। चलो आगे देखते क्या क्या है। और फाइनली भी टूर खत्म हो चुका है गाइस, और हम जा रहे हैं टावर ब्रिज की तरफ अभी। कैन यू सी, कैन यू नोटिस द टावर ब्रिज ऑलरेडी? देखो गाइस भीड़ कितनी है। वो रहा अपना लंदन ब्रिज। और ये पानी अपने को इमेजेस वगैरह में ब्राउन ब्लू दिखता है, तो ये ब्लू नहीं है गाइस, ओके ये ब्राउन ही पानी है। लेकिन लंदन ब्रिज बहुत सही दिख रहा है, बहुत ही सही दिख रहा है। जहाँ पे थोड़ा स्पॉट दिख रहा है जो कि हम इसको एज बैकग्राउंड पिक्चर्स ले सकते हैं, लेट्स सी हाउ द टर्न आउट, लेट अस ट्राई फर्स्ट। ये देखिए गाइस ये स्ट्रीट, ओह माय गॉड क्या वाइब है यार, सही में। देखो गाइस यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर आते हैं नीचे से, और ये रहा लंदन ब्रिज। वाओ क्रेजी। चलो अभी अंदर जाके फोटो खिंचवा सकते तो खींचते हैं। तो गाइज हम वो साइड से ये साइड आ रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, जगह नहीं मिल रही थी। वो जो ट्रक है वाइट कलर की बड़ी वाली, वो लिटरली वो अंकल हमारे लिए रुक के इधर साइड पास करो। यार कितने अच्छे लोग हैं यार यहाँ के, मतलब जितना लगा था ना उतने क्रेजी नहीं है, लाइक रूड नहीं है, वेरी जेंटल, बहुत ही सही है। ओके लुक एट मी, मेरा चेहरा ज़्यादा दिख नहीं रहा है वीडियो में, लेकिन ओके यार क्या करें, अभी अंधेरा यहाँ पे जल्दी हो जाता है, तो हम फटाफट से फोटोज क्लिक करने का कोशिश कर रहे हैं। और गाइस ये वही ब्रिज है जो कि खुलता है बंद होता है, आपको थोड़ा सा मैं पिक्चर या फिर फुटेज डाल दूंगी। ये ऐसे ही नहीं खुलता है, अगर यहाँ पे कोई बड़ी शिप याट वगैरह आती है तो उनके लिए खुलते ही है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सही लगता है। एक लिटरली सोचो ना पूरा रोड खुल रहा है, किसके लिए भी कर सकते हैं, जिसके पास यार्ड है बड़ी। हाँ, जिसके पास यार्ड है बड़ी, सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए, एनीवन हु हैज अ यार्ड ऑब्वियसली इतनी बड़ी यार्ड। देखो ये छोटू सी है, ऑफ कोर्स इसके लिए नहीं खुला, ऐसे बहुत बड़ी दिख रही ना ये, ऊपर मोटे वो। और अगर हम बताते कि हमारी यार्ड ये टाइम पे यहाँ से गुजरने वाली है, तो वो टाइम पे ब्रिज खुलता है। हो गया गाइस सब फोटोशूट अभी लंदन ब्रिज पे, और अभी हम ये साइड आ गए, अदर साइड ऑफ लंदन ब्रिज। ऐसा सेम बिल्डिंग ये वाला जो है, ऐसा सेम बिल्डिंग आई गेस बैंकॉक में भी है। अभी इसका फ्रेंड आ रहा है, इसका फ्रेंड रहता है इधर, मतलब ही स्टडीज हियर, तो वो भी आने वाला है। अभी हम एक जगह पे जाने वाले सब मिलके। देखो गाइस ये सब बेंचेस है इधर, कितने मस्त है, बैठ के विंटेज काइंड, कब से चल रहे हैं गाइस, बाप रे स्टूपिड फकिंग मरमेड इज गॉट, अभी वी गॉट द प्लेस टू सिट। या वी डिड बॉयज, और आज ना मैं बैग लेके आई गाइस, बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि नहीं तो चीजें गिम्बल। वी स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। कोस्टा कॉफी पे आए हैं गाइस हम, अभी यहाँ पे चाय लाते ले रहे हैं। ये देखो सब चीजें कितनी मस्त रखी हुई है, ये हमारा चाय लाते भी आ गया है, और व्यू देखो जरा, एक मिनट, भी मेरा व्यू है और ये भी मेरा व्यू है। तो गाइस शाम हो गई है और ब्रिज का व्यू, काफ़ी लेके निकल गए अब। चलो पोर्ट है ये, सिटी के अंदर ही है एक्चुअली, ये यार्ड सब लगी हुई है, वाव नाइस। अभी यहाँ का हमारा घूम के सब हो गया है, ये रहा लंदन ब्रिज, और अभी हम जा रहे हैं हाइड पार्क में, जो कि है यहाँ से एक आधे घंटे, 45 minutes टू 1 hour की दूरी पे है, तो अभी कैब बुक किया हुआ है। फनीली इनफ गाइज आप बिलीव नहीं करोगे अभी क्या टाइम हो रहा है, इट्स 5:20 राइट नाउ, 5:20 PM, दोपहर के 5:20 हो रहे हैं, और देखो पूरा अंधेरा हो चुका है, नो सन, मून दिख रहा है क्या किधर, मून रहेगा आई गेस। ये एंट्री है वो पार्क की। चलो अभी इसका फ्रेंड आनंद नाम है उसका गाइज, तो लेट्स सी वेयर ही इज, कहाँ पे है। देखो यहाँ का ऐसा है,
अभी अगर हम यहाँ पे जब सनराइज रहता है या फिर सूरज रहता ऊपर तब आते तो ये जो पत्ते दिख रहे कितने सही दिखते थे यार। फॉल का सीजन चल रहा है, ये पूरे येलो येलो ब्राउन ब्राउन पत्ते पड़े हुए हैं यहाँ पे एंड मैं देख ही नहीं पा रही हूँ कितना सही लग रहा है इधर। शिट मैन, एनीवे बाद में जब भी आएंगे आएंगे यहाँ पे वापस से। और ये देखो, ये रहा लंदन का मेला। आपको मैनचेस्टर का मेला दिखाया था, लंदन का मेला उससे भी ज़्यादा बड़ा है। और ये रहा निखिल का दोस्त आनंद। वाओ, हम राइड्स करेंगे अभी गाइस, जाने वाले हैं। लाइन देख रहे हो टिकट के लिए, कितना बड़ा लाइन है यार, कैसे नंबर लगने वाला है अपना। हो गया गाइस, चलो फाइनली आ गए हम अंदर। हमको लगा था 6 बजे बंद होता है, तो 3-4 मिनट बाकी, हमको लगा था आने ही देंगे अंदर। ओ आ गए, देखो कितना सही है। आनंद से हाय। हाय। और ये देखो अंदर आने के बाद ये सारे स्टॉल्स भी लगे हुए गाइस, सोविनियर्स के हैं, कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हैं, बहुत सही है बनाया हुआ। और क्रिसमस है तो ऑब्वियसली डेकोरेशन ज़्यादा है, कंपैरेटिवली उनका पहले जैसा रहता है उससे ज़्यादा है। चलो अभी ये शर्मा ब्रोस करके कुछ है यहाँ पे, तो उधर से शर्मा हम खा रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस, मतलब दिख तो अच्छा रहा था। और ये रहा हाइड पार्क का एग्जिट, यहाँ से एग्जिट होता है। बस में बैठे गए थे अभी हम फर्स्ट टाइम, यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट है। ये टेस्को एक्सप्रेस करके ये सुपरमार्केट है, छोटा सा स्टोर है, वहाँ से हम पानी की बॉटल ले रहे हैं क्योंकि जो भी रूम में बॉटल्स है ना, वो कैंस जो दिखाई थी मैंने, तो वो एक्चुअली एक कैन थी 150 रुपीज़ की, मतलब अपना INR में। तो यहाँ पे बड़ी बॉटल ले रहे गाइस, और सेल्फ चेकआउट रहता है यहाँ पे, जो कि आनंद कर रहा है अभी। चलो गाइस अभी टेस्ला में भी बैठ जाते हैं। अच्छा, ये रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया बाय द वे, और अभी टेस्ला एज अ कैब आई है, ये फर्स्ट टाइम टेस्ला में बैठ रहे हैं। स्क्रीन ही देख लो गाइस, कितना बड़ा है ये गाड़ी का। देखो सबके साथ दिख रहा है, पीछे से कौन कौन जा रहा है, कितने देर में जा रहे हैं, किधर जा रहा है, सब दिख रहा है। बहुत स्पेस है गाइस इसको, मतलब निखिल इज 6'2" एंड स्टिल ऊपर स्पेस बचता है बैठने के बाद भी। सीट पूरे गर्म हो गए गाइस हमारे अभी, आई कैन फील इट, कैन यू? या ही इज लॉस्ट वेंटिलेटेड सीट्स। वेल, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।